हैं कि नेक्स्ट जॉब हम यू आर गोइंग टू स्टार्ट इन न्यू लाइन और पेरेंटल लाइन. अब दो चीजें हैं, आप एक एक्स बिजनेस एक्स जॉब कर रहे हो, लेट से आप एक जॉब कर रहे हो जो इंजीनियरिंग की है, आप इंजीनियर और एमबीए हो, ठीक है, लेकिन आपके पेरेंट्स फूड का बिजनेस करते हैं, लेकिन आपको वो बिजनेस पसंद नहीं आया और आप जॉब में आ गए. सो अगर पेरेंटल बिजनेस को दोबारा से ज्वाइन करना चाह रहे, ठीक है, या आप बिल्कुल नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे, अगर आप पेरेंटल बिजनेस ज्वाइन करना चाह रहे हो तो 10 नंबर का क्वेश्चन है पूरा. इसके अंदर आप 10 में से 10 नंबर दीजिए, क्योंकि पेरेंटल गुडविल आपको बहुत हेल्प करेगी. बिजनेस में गुडविल के अंदर क्रिएटर हेल्प करते हैं, मटेरियल की अवेलेबिलिटी हेल्प करती है, पूरी चेन हेल्प करती है. और आप नया बिजनेस करने जा रहे हो तो इसमें 5 नंबर रखिए, बिकॉज वो गुडविल आपको बनानी पड़ेगी, राइट. बिल्कुल टू द पॉइंट फोकस करके आप अपनी नंबरिंग करिए. अब हम कह रहे हैं पांचवा पॉइंट, आपने डायरेक्टली फाइनेंस सेल्स सर्विस रिपेयर राइट लॉजिस्टिक्स इंडिपेंडेंटली हायर किया है. हो सकता है आपको जॉब ऐसी मिली हो कि आपको लॉजिस्टिक्स एक बार देखना पड़ा हो, फिर फाइनेंस देखना पड़ा हो, आप एमबीए फाइनेंस हो सकते हो, एमबीए मार्केटिंग हो सकता है आपको लॉजिस्टिक्स देखना पड़ा हो, कुछ प्रोडक्ट अगर प्रोडक्शन में है वो देखना पड़ा हो, या इम्पोर्ट करने का आपको एक्सपीरियंस हो. तो दीज काइंड ऑफ 5 थिंग्स आर देयर. इनमें से 10 नंबर का क्वेश्चन है, जितनी आपने चीजें डायरेक्टली हैंडल की हैं, दो दो नंबर आप ऐड करते चले, 4 किए 8 नंबर, 3 किए तो 6 नंबर, 5 किए तो 10 नंबर. और अगर इनमें से कोई भी नहीं किए डायरेक्टली, अगेन आई एम यूजिंग द वर्ड डायरेक्टली, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं लॉजिस्टिक्स के अंदर आपने खुद लोड करना चाहिए, मतलब लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट के हेड रहे हो, आपको मालूम है मटेरियल कब जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्या प्रोसेस है, कैसे उसको निगोशिएट करके कम किया, मतलब यू आर द पार्ट ऑफ दैट मीटिंग्स, राइट. नाउ द 6th वन, ये 20 नंबर का क्वेश्चन है और ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है. हैव यू एवर स्टार्टेड एनी सेगमेंट ऑफ द लाइन या बिजनेस फ्रॉम द स्क्रैच? ये बहुत ही बड़ी कैपेबिलिटी है. अगर आपने स्क्रैच से, अब आप कहेंगे स्क्रैच से कैसे हो सकता है, हो सकता है आपको मान लो आप दिल्ली में काम कर रहे हो, सडनली आपको बोला गया कि आप बैंगलोर ट्रांसफर हो रहे हो बीइंग ए ब्रांच हेड ऑफ बैंगलोर, लेकिन बैंगलोर में कुछ नहीं है, ब्रांच ही नहीं है, आपको ब्रांच भी खोलनी, वहां बिजनेस जीरो है, 2-4-5 हमारे कॉर्पोरेट्स हैं जो दे रहे हैं, वो दिल्ली से मैनेज हो रहे हैं, आपको उनके अलावा वहां बिजनेस करना है, और आपने मेहनत शुरू की और वो स्क्रैच से बिजनेस ब्रांच 10 लाख 15 लाख मंथली टर्नओवर पे ले आए, दैट इज कॉल्ड द फ्रॉम स्क्रैच टू बुलजाई, आपने हिट कर दिया निशाना. अगर आपने ऐसा कुछ काम किया है, ये 20 नंबर का क्वेश्चन है बिल्कुल, तो आप 20 में से 20 नंबर दीजिए इसको. अगर इस काम के आप पार्ट रहे हैं, मान लो आप डायरेक्ट मैनेजर नहीं रहे, आप असिस्टेंट की पोस्ट पर रहे, तो भी आप इसमें से 10 नंबर दीजिए अपने आप को, क्योंकि आप उस कोर मीटिंग का हिस्सा रहे होंगे जिसने ये ब्रांच डेवलप की होगी. और गलती से आपने ऐसा कुछ नहीं किया, तो इसमें ये बहुत सेंसिटिव है स्क्रैच से बिजनेस करना. डेफिनेटली आपको अगर बिजनेस करना है तो कोई बिजनेस कोड चाहिएगा, आप अपने नंबर जीरो लिखिए, उस बिजनेस कोड से पूरा डिटेल लीजिए, देन ओनली यू कैन परफॉर्म द बिजनेस. ये नहीं कह रहा कि आपने अगर स्ट्रेस से बिजनेस इन किया तो बिजनेस मत कीजिए, बट यू नीड द कोचेस, वरना आपको जो लर्निंग कॉस्ट है वो बहुत हैवी हो, बहुत ही ज्यादा हैवी हो, और टाइम स्पैन आल्सो इंक्रीज हो सकता है, 3 साल लग जाए आपको, 2 साल लग जाए उस लर्निंग कॉस्ट के लिए. और जो लास्ट का 7th पॉइंट है, ये सबसे जरूरी पॉइंट है, ये चलते हुए बिजनेस को रोक देता है.